आने वाले ठंडी के सीजन में अगर जो आप भी चाहते हैं कि हमारी मुर्गियां अंडा दे और अंडे का फार्मिंग करके हम अच्छा पैसा कमा सकें, तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। अभी जो चूजा देख रहे हैं वो सोनाली देसी का चूजा है, और आगे हम लोग दिखाएंगे कि अंडे वाली मुर्गियों से कैसे आप लाखों पैसे कमा मालामाल हो सकते हैं इस ठंडी में। अगर जो आप भी सोच रहे हैं कि मुर्गी पालन करके या अंडे वाली मुर्गी पालन किया जाए, तो अभी जो मुर्गियां देख रहे हैं वो टोटल सोनाली मुर्गियां हैं। नीचे आप कहीं कहीं अंडे भी नज़र आपको आ रहे होंगे। तो इस तरीके से मुर्गियां अंडे देती है कि आप बिल्कुल ही उठाते उठाते परेशान हो जाएंगे, बेचते बेचते परेशान हो जाएंगे। सोनाली मुर्गियां साल में 240 अंडे के करीब देती है। और इसमें फ़ायदा ज़्यादातर क्या होता है सर, कि ये मुर्गियाँ अंडे के तौर पर भी इसको पाला जा सकता है और मांस के तौर पर भी पाला जा सकता है। अब हम लोग टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो कि जो इस वर्ष अंडे का पालन करना है जिन किसान भाइयों को, वो पूरा इस वीडियो को देखें। मांस के भी पालन कर रहे हैं तो इस जानकारी को टोटल देखें, ताकि आपको भी अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए, नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूँ कि अगर जो 500 हज़ार 2 हज़ार से अगर जो फार्मिंग आप शुरू किए हुए हैं, इससे ज़्यादा किए हुए हैं, तब तो आपको अनुभव होगा ही पहले से, या तो कहीं से जानकारी लेकर के स्टार्ट किए होंगे। अन्य तो हमेशा किसान भाई जो स्टार्ट करते हैं वो छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अंडे वाली मुर्गियां, जो अंडे आप लोग देख रहे हैं, इसको पालन अगर जो ठंडे में किया जाए तो कितना पैसा आ सकता है। तो एक मुर्गी से आपको कम से कम तो 240 रुपये आपको आ जाएंगे, एक मुर्गियाँ से बचत आ जाएंगे। तो 240 अंडा देती है, और ठंड के सीज़न में क्या होता है कि अंडे महंगे भी बिकते हैं। अगर जो हैचरी में अगर जो सेल करना चाहते हैं तो 8 से 9 रुपया हमेशा रेट रहेगा इसका, और कोई नहीं लेता है तो आप हमको भी दे सकते हैं, चाहे आके मिल सकते हैं। मोबाइल पे बात करने से अच्छा आकर के मिल लीजिएगा अंडे आपके पास हैं तो। और इस तरीके से चमकीला ब्रीड है, अच्छा ब्रीड है, सोनाली का ओरिजिनल ब्रीड है। तो आपके अंडे का जो वज़न होगा वो 35 ग्राम से लेकर 45 ग्राम के बीच में होगा, और जो देसी अंडे का वज़न होता है वो 30 से 35 ग्राम होता है। तो कहीं ना कहीं अगर जो मुर्गियों को अच्छा फीड दे रहे हैं, बाहर का भोजन भी दे रहे हैं, अंडे का वज़न 35 से 40 ग्राम का है, तो वो देसी में भी निकल जाता है और आपको अच्छा लाभ दे के जाती है। तो इस ठंडी में अगर जो किसान भाई पालन करने के लिए सोच रहे हैं, अंडे का फार्मिंग करना सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि आने वाले ठंडी में आपको अंडे का जो रेट है वो 12 से 14 रुपया तक भी चला जाता है, और जो लागत है वो एक मुर्गियां पर डे 100 ग्राम से ज़्यादा दाना आपको नहीं खाएगी, यानी 3 से 3.5 रुपया करीब आपको कॉस्ट पड़ेगा एक अंडे पर। जब तैयार होगी मुर्गियां, तो तैयार होने तक आपको टोटल मुर्गियों में खर्च हो जाएंगे 200 रुपये के करीब, 180 खर्च होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा यहाँ पर इस तरीके से अंडे आपको देंगे ना कि बिल्कुल ही परेशान हो जाएगा चुनते चुनते। तो हम रखे भी हैं, इसीलिए आपको भी सलाह दे रहे हैं कि आप रख सकते हैं। और अंडे वाले मुर्गियाँ में है कि रोज़ आपको यानी पैसा देने का मशीन एक बन जाता है, और इसमें एक ही ध्यान देना होता है किसान भाइयों को कि जो मुर्गियाँ हम पालन कर रहे हैं उसका देख रेख रख रखाव बहुत ही अच्छे ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह में दाना दिए तो शाम में दाना नहीं दे, एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ उसको दाना भी देना होगा, उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन करना होगा, और प्रॉपर उसको पानी का व्यवस्था करना होगा। तो जो किसान भाई 100 मुर्गी से शुरू करना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूँ, उनको तो फार्म की भी ज़रूरत नहीं है। जो फार्म 500 से शुरू करना चाहते हैं अंडे वाले, तो उनको भी आपको लोकल मार्केट में भी सेल करना पड़ेगा। अगर जो आप 2000 से शुरू करना चाहते हैं या 1000 से ऊपर का फार्मिंग अगर जो आप कर रहे हैं, तो हैचरी वाले से ज़रूर संपर्क कीजिएगा, ताकि आपको सभी दिन अंडा बिके और आपको अच्छा पैसा कमा सकें। ठंडी में तो आप अच्छा पैसा कमा लेंगे, ऑफकोर्स सभी समय ठंडी में आप कमा लीजिएगा, लेकिन जब ठंड के बाद जब मुर्गियाँ अंडा देते रहती है, यानी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में, तो उस समय आपको हैचरी वाले से कंसल्ट करने होंगे, ताकि आपको अंडे निकल सके। अगर जो कोई हैचरी वाले आपके संपर्क में नहीं आ पाते हैं, तो जिनसे चूजा लिए हैं उनको दीजिए। अगर जो वो भी नहीं ले पाते हैं, तो आप हमसे पटना या जहानाबाद में आकर के मिलिए,
फ़ोन तो बहुत ही कम उठाते हैं, लेकिन आ कर के मिलिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो हम लोग मिल लेंगे, मिल के बातचीत होगी। तो 8 से 9 रुपये हमेशा आपका अंडा हम लेंगे, उससे हम लोग बच्चा निकालते हैं और सभी दिन निकालते हैं, गर्मी सर्दी बरसात सभी दिन। एक अंडे पर आपको पर डे के हिसाब से आपको 3 से 4 रुपये खर्च पड़ेंगे, यानी एक अंडे पर 3 से 4 रुपये प्रॉफिट आपको हो जाएंगे। अगर जो आप 1000 मुर्गी भी पालन कर रहे हैं, 2000 भी मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा पैसा आप लोग इसमें कमा सकते हैं। और ठंड के समय में क्या होता है कि जो छोटे किसान भाई भी हैं, जो 100 मुर्गी पालन कर रहे हैं, 500 मुर्गी पालन कर रहे हैं, उनको भी अच्छा बचत हो जाता है, क्योंकि ठंड के सीज़न में सभी लोग भी देसी अंडे खाने को प्रेफर करते हैं। और हम लोग का मार्केट है पटना, जो कि बिहार में पड़ता है। तो पटना में हम तो देख रहे हैं कि देसी का मार्केट ठीक ठाक है अंडे का, जो कि 1200-1400 रुपये में सेलिंग हो जाता है। और हम लोग चूजा भी सप्लाई करते हैं, जो इस तरीके के चूजे रहते हैं, तो आप लोग चूजा का क्वालिटी भी देख रहे हैं कि अच्छा है। तो आपको एक तरह से पूरा मदद किया जाएगा, चूजा भी दिया जाएगा, और जो जहाँ तक कि दाना की बात है वो कंपनी रेट में दिया जाएगा, जो कंपनी का प्राइस है, डीलर रेट पर नहीं, कंपनी रेट पर मिलेगा। और आपको माल उठाने की भी गारंटी रहती है। बहुत सारे जगह से आप लोग अंडा भेजते हैं, तो हैचरी में हम लोग लगाते हैं, आप लोग का ही अंडा रखा हुआ है, और हम अपने फार्म पर भी जो अंडा निकलते हैं उसको ले जा कर के अपने हैचरी में ही लगाते हैं। अगर जो अपना फूल हो गया तो दूसरे हैचरी में लगाएंगे, लेकिन हैचरी में लगाने से क्या होता है कि हमको सतत पैसा आते रहता है, कहीं मार्केट में बेचने की ज़रूरत ना है। अगर जो छोटा सा है फार्म आपका, तो आप मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। जो हैचरी में अंडा निकलते हैं, इससे सॉरी हैचरी में अंडा आते हैं, उससे बच्चा निकलने का काम किया जाता है, और बच्चा आप लोग को मिलता है। और जहाँ तक आप लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से हैचरी मशीन है, और हम लोग मुर्गी भी उठाते हैं, उसका भी वीडियो आप लोग देखे होंगे। उसके लिए 1 सप्ताह पहले से ही आपको कहना होगा कि हमारी मुर्गियाँ तैयार हैं, और अकेले हमको एक दिन में मात्र 4 से 5 क्विंटल ही मुर्गी उठा पाते हैं। और भी जानकारी अगले वीडियो में देंगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक